थाओ या सिर पेट करना एक्सरसाइज वीपी का अच्छी चीज है। जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से जो हमारे दीगर एसोसिएशंस इस वक्त रेवेन्यू महकमे में काम कर रही हैं, बिलखसूस जे एंड के एस ऑफिसर्स एसोसिएशन, ऑल जे एंड के रेवेन्यू ऑफिसर्स एसोसिएशन, ऑल जे एंड के रेवेन्यू कोऑर्डिनेशन कमेटी, कि वो हमारे हड़ताल को कामयाब बनाने में अपना ताउन पेश करें। ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन एक नुमाइंदा तंजीम है, तमाम पटवारी और गिरदावर हजरात जो कि हुकूमती जम्मू कश्मीर में अपनी फ़राइज अंजाम दे रही है, इनका ताल्लुक न सिर्फ महकमे माल बल्कि दीगर महकमा जैसे लेक्स एंड वाटरवेज, रक्स एंड फॉर्म्स, PDT और दूसरे महकमे जहाँ पर पटवारी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर भी तैनाती रहती है। आप सबको बखूबी इल्म होगा कि इसी एसोसिएशन हॉल में हमने 9 मार्च 2022 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी आपके वसातत से, जिसमें हमने आपके साथ शेयर किए थे वो मिनट्स ऑफ मीटिंग कि हुकूमत ने हमें हड़ताल से उठने के लिए मोहलत मांगी थी और हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया था कि ये जो एग्रीमेंट की कॉपी है कि विद इन स्टिपुलेटेड टाइम हम आपके तमाम मामला हल करेंगे, और 4 पॉइंट्स पर गवर्नमेंट के साथ फुली एग्रीमेंट हुआ था कि विद इन 1 मंथ ये 4 डिमांड हल होंगे। मगर आज तक 6 महीने गुजरने को आए, ये हुकूमत का 1 महीना पूरा नहीं हुआ। अब इस वक्त महकमा माल में आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, बस ये थी ऑल जम्मू कश्मीर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथियों ने, मैंने एक उस फैसले को वेलकम किया कि हम सभी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करके ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दें, मगर इसमें हमें हुकूमत का सपोर्ट चाहिए। लगातार पिछले 3 महीने से हम अरबाब इक्तदार, जिसमें सभी जो रेवेन्यू महकमे के हायरार्की शामिल है राइट फ्रॉम तहसीलदार अप टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दैट इज़ कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू, हमने रिप्रेजेंट किया कि पटवारियों को सहूलियात मैसर नहीं है। रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने के लिए एक प्रोफेशनल की ज़रूरत है, एक ट्रेंड कंप्यूटर पर्सन की ज़रूरत है, महकमे में न कंप्यूटर अवेलेबल हैं और न ही कंप्यूटर ट्रेंड ऑफिशियल्स अवेलेबल हैं। पटवारियों की जो पहली तकरारियाँ हुई हैं वो सिर्फ उर्दू नोइंग पटवारियों की हुई हैं जो कलम से काम करते थे, मैन्युअली काम करते थे कंप्यूटर ट्रेंड। हुकूमत के इस इनिशिएटिव को हमने वेलकम किया, तो एज ऑफ उन पटवारियों ने कंप्यूटर खरीदे, लैपटॉप्स खरीदे, मगर हुकूमत की तरफ से कोई सहूलियत नहीं रही, बल्कि उल्टा तंग किया जा रहा है। आपको आज ये जानकर हैरानी होगी, आज महकमे में 24 घंटे काम करने को कहा जा रहा है, जबकि जो CSR रूल्स हैं, सिविल सर्विस रेगुलेशंस हैं, उनकी सरियां खिलाफ वर्जी हो रही है, तो जिस वजह से हमारा तबका, पटवार तबका आज कर बहुत मजबूर हो रहा है कि कोई वर्क कल्चर नहीं है। जो काम एक फुल फ्लेज्ड कंपनी का था, रामटेक को ठेका दिया गया था कि वो यहाँ जम्मू कश्मीर का पूरा रिकॉर्ड स्कैन करके डिजिटलाइज करके एक फुल फ्लेज्ड सेटलमेंट करेगा, उस सेटलमेंट की सूरत में एक रिकॉर्ड डिजिटलाइज करेगा और उसको ऑनलाइन कर देगा। ये सारा बोझ उन रामटेक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसा देने के बावजूद भी, खरबों में पैसा देने के बावजूद भी मेरे नेहते पटवारी के कंधों पर डाला गया है, जबकि उल्टा सताया जा रहा है। कि आप को यह जानकर हैरानी होगी कि नंबर ऑफ पटवारी को शोकाज नोट से शुरू हुई है, क्यों आप रात के 1 बजे काम नहीं करते हो? आप यकीन नहीं करोगे, रात के 3 बजे हमारे पटवारी फोन फोटोग्राफ्स अपलोड करते हैं। इट्स शेम ऑन दिस गवर्नमेंट। रही बात हमारी जो एग्रीमेंट हुई थी, देरी ना हमारी मांगे थी जो गवर्नमेंट के साथ हमने डिस्कस की, इन्हेंसमेंट ऑफ ग्रेड पे ऑफ पटवारी फ्रॉम 2400 to 2800, इन्हेंसमेंट ऑफ प्रमोशन कोटा ऑफ इन सर्विस कैंडिडेट्स टू द पोस्ट ऑफ नायब तहसीलदार ऑन द सेम पैटर्न एज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख दैट इज 75 into 25, इश्यूएंस ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ DPC हेल्ड इन 2019 एंड फर्दर DPCs एज पर शेड्यूल। तो इस ये डिमांड्स और दूसरे डिमांड्स जैसे कि
क्रिएशन ऑफ जीके सर्कल्स एंड पटवार हल्काज। महाराजा के वक्त का पटवार हल्का है, इंसाफ नहीं कर पाता आवाम के साथ, आबादी बहुत बढ़ गई है, काम का चैलेंज बहुत बढ़ गया है, टेबल्स पर फाइलें पड़ी हैं, मगर ये क्रिएशन का ऑर्डर नहीं कर। जब तहसीलें नहीं बनी, एसडीएम सर्कल्स नहीं बने, डिस्ट्रिक्टें नहीं बनी, तो क्या वजह है कि यहाँ का पटवार हल्का नहीं बनता? क्या वजह है यहाँ का गिरनावर सर्कल नहीं बनता? आज भी 10 गांव का पटवारी 30,000 की आबादी को इंसाफ नहीं कर पाता है, उल्टा लोग शिकायत कर रहे हैं कि पटवारी के पास हमारे बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। तो जो इस बेसिक मुक्स है इस चीज़ का, उसको रिड्रेस नहीं किया जाता है, क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे उल्टा हमें तंग किया जा रहा है। हमारे जो पटवारी और गिरदावर हजरात अपने डिस्ट्रिक्ट में तैनात होते थे, विसिनिटी में तैनात होते थे, हालात का मद्दनजर रखकर उनको आवाजाही में आसानी होती थी, खुश असलूबी से आवाम का काम करते, उनको अपने डिस्ट्रिक्ट से निकाल कर फार फ्लंग एरियाज में भेजा गया है, जहाँ वो अपने फैमिली को भी विजिट नहीं कर पाते हैं। तो हमारी ये मांगे हैं हुकूमत से कि इनको फिलफोर हल करें। हम इसके लिए हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट्स को टाइम बाय टाइम नोटिस दी हैं, यू कैन हियर अ ग्लिम्प्स ऑफ दिस नोट्स। ये नोट्स गई है वर्दी चीफ सेक्रेटरी को 22 जुलाई को, एक हफ्ते का हमने अल्टीमेटम दिया था, बट दे टर्नड साइलेंट। ये नोटिस गई है वर्दी डिविजनल कमिश्नर कश्मीर साहब को, ये गई है वर्दी फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू साहब को नोटिस गई है, ये नोटिस गई है वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू को। बजाय नोटिस के कि वो वेलकम करते हमें, डिस्कशंस के बुलाते, उल्टा तंग हो रहा है हमारा स्टाफ। अब हमने तंग आमद बजंग आमद हुकूमत ने ये थोपा है हमने, क्योंकि हमने उनको पहले ही लिखा था कि यू कैन हैव अ ग्लिम्प्स, हमने लिखा था उनको, इट इज मोस्ट हम्बली रिक्वेस्टेड टू रिड्रेस ऑल द अबोव लिस्टेड इश्यूज विद इन अ वीक्स टाइम, अदरवाइज द एसोसिएशन हैज नो अदर ऑप्शन बट टू गो फॉर पेन डाउन स्ट्राइक। तो आज वो घड़ी आ गई है जब हमने एसोसिएशन की सतह पर फैसला लिया है हुकूमत को फिर से जगाने के लिए। 3 रोजा टोकन स्ट्राइक जो कल से शुरू होगी 24, 25 और 26 को पूरे रियासत जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के पटवारी और गिरदावर हजरात पेन डाउन स्ट्राइक पर रहेंगे। और अगर हुकूमत ने सर्द महरी का निजा तो हम इसके लिए भी और से सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर जाएंगे। न सिर्फ कोविड में हमारे पटवारी और गिरदावर साहब ने फ्रंट लाइन पर काम किया, क्वारंटीन सेंटर्स को चलाया, आइडेंटिफाई किया पेशेंट्स को, उनको टेस्टिंग कराई, मोबिलाइज किया, और जो बाहर से लोग आए उनको क्वारंटीन कराया, हर एक चीज़ फैसिलिटेट करने के बावजूद हुकूमत सर्द महरी दिखा रही है। न सिर्फ कोविड बल्कि जो भी आफत आए, चाहे भूचाल आए, सैलाब आए, कोई भी आफत आए, लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम, हमारा पटवारी फ्रंट लाइन पर रहता है। और आज भी इसने इस डिजिटलाइजेशन में वेलकम किया, दिन रात काम किया, अपना कंप्यूटर नॉलेज न होकर भी कंप्यूटर ऑपरेटर्स को कहीं हाइल किया, कहीं मैनेज किया, तो फिर भी हुकूमत सता रही है, कोई टाइम फ्रेम नहीं दे रही है, सरकारी तौर नहीं फैसिलिटेट नहीं हो रहा है। बजाय इसके आज ही पीएम किसान को कहा गया कि साइमल्टेनियसली करो, एक तरफ से खीवट मांग रहे हैं, डिमांड ये प्रोग्रेस मांग रहे हैं डिजिटलाइजेशन के लिए, दूसरी ओर से पीएम किसान और दूसरे वेरिफिकेशन को भी, नॉर्मल ड्यूटी को भी साथ। हाउ कम इट इज पॉसिबल कि एक तरह से पटवारी रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करेगा, दूसरे तरीके से आवाम को भी, आवामी मुश्किलात का भी उजाला कर सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल।